हाँ जी बेटा, DSE 2020 का क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। कहते हैं कंसीडर कंसीडर एन इकोनॉमी वेयर द फाइनल कमोडिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल फर्म यूजिंग लेबर ओनली। ठीक है, आगे कहते हैं द प्राइस सेटिंग फर्म चार्जेस अ 25% मार्कअप ओवर इट्स पर यूनिट नॉमिनल वेज कॉस्ट। गाइस ध्यान रखना, वेज कॉस्ट मतलब मार्जिनल कॉस्ट। अगर हमारे पास यहाँ पे एक ही इनपुट है दैट इज लेबर, तो जो भी कॉस्ट होगी, मतलब वेज कॉस्ट का मतलब क्या हो जाता है कि हम भाई एक लेबर को कितना वेज दे रहे हैं, सो दैट दैट इज ऑल्सो द मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, नाउ वो कहते हैं द वर्कर्स डिमांड अ रियल वेज रेट दैट इज W/P इज इक्वल्स टू 1 माइनस का यू। यहाँ पे यू आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, पी यहाँ पे प्राइस है, डब्ल्यू यहाँ पे नॉमिनल वेज रेट है। राइट गाइज, कहते हैं द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन दिस इकोनॉमी इज। गैस देखो इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। वो कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। राइट गैस देखो, अगर हम लोग नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, तो इट मींस व्हाट, हम लोग इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ। जब हम लोग नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे प्राइस सेटिंग एंड वेज सेटिंग के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। ठीक है गाइज, वेज सेटिंग के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। इट मींस व्हाट, प्राइस सेटिंग की साइड से W/P निकालेंगे, ये प्राइस सेटिंग की साइड से आएगा, और वेज सेटिंग की साइड से W/P निकालेंगे, ये वेज सेटिंग की साइड से आएगा। ये दोनों जब आ जाएंगे, इनको इक्वल कर देना है। ठीक है गाइज, मैं अगर आपको डायग्राम बताऊं, तो दिस इज व्हाट, दिस इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एंड ये आपका W/P, ये आपका वेज सेटिंग रिलेशन, ये आपका प्राइस सेटिंग रिलेशन। का ध्यान रखना, ये स्टैंडर्ड डायग्राम्स होते हैं। ठीक है, ये जहां पे कट कर रहा होगा दैट इज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। राइट गाइज, गाइज ये चीज आपने ऑलरेडी पहले से पढ़ी हुई है, इजी है। अब मुझे क्या करना है, मैं गाइज एक शीट ले लेता हूँ जहां पे मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। ठीक है, ओके, नाउ गाइज क्वेश्चन नंबर 6 है ये वहां का, इसको दूसरे कलर से ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, सो वेज सेटिंग दे रखा है मैं W/P इज इक्वल्स टू 1 माइनस का यू। ठीक है, प्राइस सेटिंग उन्होंने खुद बोला है कि जो प्राइस है, प्राइस इज पी। गैस देखो, पहले मैं आपको टेक्निकली बता देता हूँ, वहां उन्होंने एक चीज बोली है क्या कि भाई हमारे यहाँ पे मार्कअप है। तो मार्कअप क्या होता है, मार्कअप का मतलब होता है जितना वेज डिसाइड हुआ है, जो जो वर्कर है अपनी वेज का कुछ परसेंटेज और भी लेगा। ठीक है, जो वर्कर है अपनी वेज का कुछ और एक्स्ट्रा अमाउंट भी लेगा। ठीक है, तो जिससे हम बोलेंगे दिस इज द मार्कअप, ये मार्कअप है गाइस, ये जो है ना म्यू, दिस इज द मार्कअप, एंड इसका वेज से मल्टीप्लाई करेंगे करेंगे दिस इज द अमाउंट जो वो एक्स्ट्रा अमाउंट ले रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट, कभी कभी हम इसको गुडविल अमाउंट भी कहते हैं, कई मल्टीपल नेम है। ठीक है, वो डिपेंड करता है, जस्ट आप ये समझो भाई। आपको मैं छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ, हमारे मार्केट दो तरीके की होती है, एक होती है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, एक होती है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। ठीक है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर जितना प्राइस, जितना वेज होता है उतना प्राइस सेट किया जाता है, मतलब यहाँ पे जो W होता है वो मार्जिनल कॉस्ट है, P इज इक्वल्स टू MC होता है, और MC यहाँ पे W है। ठीक है गाइज, यहाँ पर भी P इज इक्वल्स टू MC होता है, बट अब यहाँ पे इम्परफेक्ट के अंदर मार्जिनल कॉस्ट इज नॉट W ओनली, दिस इज व्हाट, दिस इज द वेज रेट एंड द एडिशनल अमाउंट विच इज आस्क्ड बाय द वर्कर, के भाई वो कहता है जी मुझे थोड़ा और पैसा चाहिए तभी मैं आपके पास काम करूंगा, बिकॉज हम लोग इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात कर रहे हैं, और हम लोग जो गुड बना रहे हैं वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है। ठीक है गाइज, तो वो जस्ट उसी की बात है। अगर मैं इसका यहाँ पे लिख देता हूँ, तो P इज इक्वल्स टू 1 प्लस म्यू एंड W, एंड यहाँ पे W/P इज इक्वल्स टू 1/1 में 1 प्लस का म्यू। ठीक है गाइस, दिस इज द प्राइस सेटिंग रिलेशन वाला W/P, दिस इज वेज सेटिंग रिलेशन वाला 1 माइनस का यू। ठीक है, नाउ एट इक्विलिब्रियम W/P इज इक्वल्स टू जो हमारा प्राइस सेटिंग वाला था, एंड W/P वेज सेटिंग वाला, हमने बगैर बराबर रखा,
दैट इज वन अपॉन में वन प्लस मार्कअप एंड दिस इज वन वन माइनस यू. ठीक है गाइज, गाइज ध्यान रखना दिस इज मार्कअप, दिस इज मार्कअप, दिस इज यू. यहाँ पे यू अनएम्प्लॉयमेंट रेट है. ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने मार्कअप कितना बोला है जी, इट्स 25%, राइट. अब 25% को मैं ऑब्वियस बात है 25% फॉर्म में लिखने का मतलब हो जाएगा 0.25. मैंने लिखा है इसको 1 प्लस 0.25 इक्वल्स टू 1 माइनस का यू. ठीक है, 1 माइनस का यू. एंड गाइस आप इसको थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर लीजिए, देन यू विल गेट द फाइनल आंसर. ठीक है बेटा, सो दिस इज 1 अपॉन 1.25 इक्वल्स टू 1 माइनस का यू. एंड यू को हम यहां लिया है, उसे हमने वहां भेज दिया, 1 माइनस 1 अपॉन में 1.25 क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 1.25 माइनस का 1 अपॉन में 1.25, दिस इज 0.25 अपॉन में 1.25. ठीक है, इट इज व्हाट बेसिकली 25 अपॉन में 1.25, डेसिमल हट गया, कैलकुलेट कर लो तो इट्स व्हाट दैट इज 25, 5 इज 125 होता है. तो ये सम होगा इस कितना हो गया 0.2. ठीक है, एंड 0.2 मींस 20%. ओके गाइस, 20%. ठीक है, तो उधर ऑप्शन में देख लेते हो क्या 20% ऑप्शन में है. यस, आंसर इज ए, करेक्ट, आंसर इज ए. तो गाइस यहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया.